नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुरक्षा की मांग को लेकर नगर के व्यवसायी मिले एसएसपी से। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा देने की मांग की सिखों ने। और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी बनेंगे फिल्म निर्माता। अब खबरें विस्तार से। असुरक्षा से भयाक्रांत व्यवसायियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मिलकर सुरक्षा की मांग की। वे पिछले दिनों व्यापारी प्रमोद शाह के साथ हुई लूट की घटना का हवाला दे रहे थे। मोहनलाल अग्रवाल के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे व्यवसायियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से वे काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन व्यापारियों से लूट छिनतई हो रही है। पिछले दिनों प्रमोद शाह नामक व्यवसायी से भी इसी तरह लूटपाट की गई, पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। देना होगा, देना होगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद, आवाज तो हम एक। विनोद कुमार की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, अभी उसके अपराधी पकड़े भी नहीं गए थे। उसी सुनसुनिया गेट के पास अपराधियों ने प्रशासन को चैलेंज करके और पुनः बता दिया कि प्रशासन सोया हुआ है, सुसुप्त है, निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। व्यापारी से 1,00,000 रुपए की नगद लूट कर ली गई। व्यापारी भयभीत है, असुरक्षित है और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द व्यापारी सुरक्षा प्रदान करे और ऐसे तत्व जो छिनताई करते हैं, हत्या करते हैं, उनको खोज के निकाले और निकाल के उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि व्यापारी चैन से अपना व्यापार कर सके, सरकार को टैक्स के रूप में धन दे सके, झारखंड का विकास में भागीदारी ले सके। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर सिख सेवा संस्था ने मंगलवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा मिले और 23 मार्च को इनकी शहादत के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, ये मांग सिख सेवा संस्था ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री से की है। उनका नेतृत्व सरदार शैलेंद्र सिंह कर रहे थे। और सुखदेव, ये दुनिया जानती है कि ये देश के शहीद हैं और बड़े अफसोस के साथ उन्होंने निंदा भी करना चाहते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा हमारे उनके पोता शहीद भगत सिंह के पोता द्वारा दस्तावेज मांगा गया था और उसमें जो उन्होंने दस्तावेज दिया उसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद ही घोषित नहीं किया गया। और आज यहाँ पर जो उपायुक्त महोदय के यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नाम से जो है सिख सेवा समिति द्वारा, संस्थान द्वारा जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। एक ज्ञापन जो है उपायुक्त महोदय को हम लोगों ने दिया है प्रधानमंत्री के नाम पर, ताकि जो है हमारी आवाज़ जो है यहाँ की जो जन भावना है वो जो है प्रधानमंत्री तक पहुँचा जाए और तत्काल जो है इसमें सुधार किया जाए। मशहूर भोजपुरी गायक मनोज तिवारी अब फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में आने को तैयार है। अगले वर्ष उनकी 4 भोजपुरी फिल्में फ्लोर पर आएगी। वे मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मशहूर भोजपुरी गायक मनोज तिवारी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गायक के अलावा उन्होंने टेलीविजन शो में भी काफी ख्याति अर्जित की। मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मनोज तिवारी ने अपनी भावी योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा कि अब वे फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में उतरेंगे और भोजपुरी फिल्म बनाएंगे। उन्होंने सरकार से भोजपुरी फिल्मों को प्रोत्साहन देने की मांग की। हम तो हैं यूपी के भैया, हर दुख में हम रहे सहैया, जैसे डगमग ढोले नैया वैसे ढोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, बोल बोल कुछ तो बोल। अब ये गाना पता नहीं जिसने बनाया, ये सोच के बनाया कि मनोज ने जिया और बिहार के लाला गाया तो बहुत अच्छा रहा, था यूपी के भैया का भी गाना अच्छा हो, क्योंकि हम लोग हैं ही, चाहे बिहार के लाला कहिए, यूपी के भैया कहिए, झारखंड का दुलारा कहिए, हम लोग तो हैं। सरकार की कुछ नीति बने, हर प्रदेश में फिल्म डिवीजन है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है। हम जरूरतमंद हैं, हम चाहते हैं कि सरकार हमें सहायता दे। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन सब्सिडी मिला, जो शूटिंग होती थी उसके लिए 25% सब्सिडी मिली। इसको सरकार उद्योग का दर्जा दे और इसके लिए कुछ करे। बिहार सरकार, बिहारी क्यों, मैं तो तीनों सरकार को बोलता हूँ, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि भोजपुरी तीनों जगह है। तो अब हम प्रोड्यूसर बनने जा रहे हैं, हम एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर बनेंगे, तब हम शायद आपकी बात का अच्छा जवाब देंगे। हमें दूसरों को दोष दे देंगे तो कुछ मतलब है नहीं। और हमारी पहली फिल्म बनने जा रही है हमीद, वीर अब्दुल हमीद के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। ये हिंदी फिल्म है जी? नहीं, ये भोजपुरी हिंदी दोनों में।
हमने इसको दोनों वर्जन में बनाया है ताकि भोजपुरी को भी हम कुछ अच्छा एक सीढ़ी और आगे सम्मान देख सकें कि वो बिहार भोजपुरी एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर की बात थी, उसको कई लोग बहुत अलग अलग अर्थों में लिए हैं। बिहार भोजपुरी एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था जिसका मैंने विरोध किया था, क्योंकि बिहार भोजपुरी एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई हो सकता है तो आज की डेट में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शारदा सिन्हा जी हमारे पास बैठी हैं, गा रही हैं। भरत शर्मा व्यास हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छे गीत गा के और भोजपुरी को गौरवान्वित किया है, इनमें से लोगों को मिलना चाहिए। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा था तो बिहार भोजपुरी एकेडमी ने मुझे एक सम्मान दिया था, मैंने उसके विरोध में उनको लौटा दिया था। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि बिहार सरकार ने साफ साफ इनकार किया है कि न तो कोई ऐसा ब्रांड एम्बेसडर बनाने की परंपरा है, न तो किसी को ऑफर किया गया है। ये जो बिहार भोजपुरी एकेडमी के अध्यक्ष जी हैं उनका अपना एक मनगढ़ंत पद था जिसको बिहार सरकार ने निरस्त कर दिया। डोमिसाइल मामले के निपटारे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और बाद में अपनी मांग पत्र सौंपा। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 1932 या 1960 के खतियान को ही मान्य बता रहे हैं, ये गलत है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इससे 2002 की स्थिति फिर से पैदा होगी जो राज्य के लिए कतई हितकर नहीं है। झारखंड की एक बैठक बुलाकर अपनी देखरेख में झारखंड का ये सबसे बड़ा मसला जो है, इससे जिस तरह से यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बंधु तिर्की, चमरा लिंडा, सालखन मुर्मे जैसे लोग झारखंड में गंदी राजनीति करना चाहते हैं, जातीय राजनीति कर अपनी गद्दी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी इसका जोर विरोध करती है। परसुडी में पारिवारिक विवाद से त्रस्त एक महिला थाना पहुंचकर न्याय की फरियाद करने लगी। वह अपने देवर पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा रही थी। मंगलवार को परसुडी थाना पहुंचकर गुहार लगा रही महिला भागवती शर्मा पेशे से शिक्षक है। उसने न्यूज टाइम्स को बताया कि उसका देवर सरोज शर्मा ने मकान एक हिस्से पर कब्जा जमा रखा है और उसके पति विनोद शर्मा और उसके साथ प्रतिदिन मारपीट करता है। मेरे को 13 साल से सबको मारता पीटता, आज देवर मेरा, हम उधर से आ रहे थे बाथरूम करके तो हमको मारा। कौन मारा, क्या नाम है देवर का? देवर मेरा सरोज कुमार शर्मा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भागवंती शर्मा। किस लिए मारपीट होता है? ऐसे मतलब जी? जमीन जायदाद के लिए मारता है। पति क्या करता है? अकाउंट में काम करते हैं। कहाँ पे? साक्षी में से। तो? और हमको हमेशा मारते पीटते रहता है। टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से सुरक्षा कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। घटना 13 अगस्त की है। रात को घर लौट रहे संजय मुंडा को पकड़कर टाटा मोटर्स के सुरक्षा कर्मियों ने जमकर पिटाई कर दी थी। संजय मुंडा भाजपा कार्यकर्ता है। जितेंद्र राय की अगुवाई में एसएसपी के पास पहुंचे कार्यकर्ताओं ने इस दिशा में कार्यवाही और जांच करने की मांग की है। टाटा मोटर के साथ मिली भगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टाटा मोटर के पदाधिकारी को अभिलंब गिरफ्तार करो। जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय के अपराधियों को गिरफ्तार करो। वर्ल्ड रेडियो लिसनर्स डे के मौके पर कदमा में एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में ब्रिटिश युग के कई रेडियो को रखा गया है। वर्ल्ड रेडियो लिसनर्स डे के अवसर पर कदमा स्थित निर्मल भातो सामुदायिक भवन में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गाइड इंटरनेशनल रेडियो के संस्थापक चिन्मय महतो ने बताया कि आज ही के दिन सन 1920 में अमेरिका में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। इस प्रदर्शनी में पुराने रेडियो को दर्शाया गया है। गाइड इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स के तरफ से तो गाइड इंटरनेशनल के रेडियो लिसनर्स क्लब के अध्यक्ष नाते मैंने काफी जो ये है देश विदेश के मैंने करेस्पॉन्डेंस किए हैं। एग्जीबिशन मैंने यहाँ शहीद निर्मल महतो स्टेडियम में हम लोग रखे हैं। सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि
उनकी मांग सरना धर्म कोड लागू करने की है। इस मांग को लेकर मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर में भी प्रदर्शन किया गया है। सरना धर्म समिति और अखिल भारतीय आदिवासी समन्वय समिति की ओर से 2 दिवसीय का जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि आदिवासियों को भारत में जो 8.5% आबादी की तादाद में है, इनको धर्म के सूची में नहीं रखा गया है। इसलिए भारत सरकार से मांग की जा रही है कि हमें अविलंब सरना धर्म कोड हमें दिया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर जिला के कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया और सद्भावना रैली निकाली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मंगलवार को जिले के कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया एवं उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया। युवा कांग्रेस द्वारा सद्भावना रैली निकाली गई। रैली में धर्म निरपेक्षता पर बल दिया गया। रैली जुबली पार्क से कोऑपरेटिव कॉलेज तक गई। उधर दूसरी ओर तिलक पुस्तकालय में राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। स्वर्गीय राजीव गांधी का जयंती है और पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी उसको सद्भावना दिवस के रूप में मना रही है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि 6-7 धर्मों का यह देश भारतवर्ष, इसमें सद्भावना बहुत जरूरी है। और हम लोग एकजुट होकर आज यह संकल्प लेते हैं कि सभी धर्म सभी जाति के लोग देश सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और सब जाति और सभी धर्म के लोग मिलकर हम लोग हिंदुस्तान को समृद्ध देश डेवलप्ड कंट्री बनाने का प्रयास करें। मानगो डिमना बस्ती की रहने वाली पूजा देवी की 14 वर्षीय पुत्री पूनम गट 8 माह से लापता है। मंगलवार को वह इसकी शिकायत लेकर SSP कार्यालय पहुंची। पूजा देवी ने न्यूज टाइम्स को बताया कि उसकी पुत्री पूनम गट 8 माह से लापता है। उन्होंने 4 महिलाओं का जिक्र करते हुए उन पर ही उनकी पुत्री को अगवा करने का आरोप लगाया है। बोला भी मेरा लड़की को ला दो, तुम लोग लेके गई हो, ला दो मेरी लड़की को। तो लोग ना बोला कि ला देंगे, आजकल हम बोला केस करेंगे, तो लोग बोला कि मत केस करो। तो मेरा बजट बोला। स्वर्णरेखा नदी के जल का दोहन बंद करने की मांग को लेकर गंगा महासभा द्वारा मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। वे नदी में कूड़ा डालकर जल को दूषित करने का भी विरोध कर रहे थे। गंगा महासभा के बैनर तले मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। वे स्वर्णरेखा नदी के जल को दूषित करने, उसके जल का दोहन करने समेत अपनी मांगों पर अड़े थे। स्वर्णरेखा को गंदगी से बचाना होगा। स्वर्णरेखा में जो गंदे नाले गिर रहे हैं और सीवरेज पाइपलाइन गिराई जा रही है, उसकी व्यवस्था करके उसको भविष्य के लिए जो है बंद किया जाए। और जो नदी में शौच करते हैं उसको भी बंद कराया जाए। इससे वायुमंडल के साथ साथ नदी का जल भी दूषित हो रहा है। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियां फैल रही है। तुलसी भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विमल जलान ने बताया कि हरिद्वार से महामलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी महाराज नगर पहुँचेंगे और उनका प्रवचन 10 सितम्बर से 18 सितम्बर तक चलेगा। 10 सितम्बर से 18 सितम्बर तक संगीत में राम कथा है। कहाँ पे होगा ये? ये तुलसी भवन में होगी। अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाही का ये आलम है कि लोग फाटक बंद होने के बाद भी रेल लाइन क्रॉस करने से नहीं चुकते हैं। जुगसलाई रेलवे फाटक पर कई दुर्घटनाएं हुई है, पर लोग इससे सीख लेने के बजाय काफी लापरवाही बरतते हैं। यदि दुर्घटना होती है तो फिर जिम्मेदारी प्रशासन पर डालने लगते हैं। फाटक बंद रहने के बाद भी कुछ लोग रेल लाइन क्रॉस करने लगते हैं, इस बात से अनजान की इसमें कितना जोखिम है। रहेगा तो शायद पार हो जाए। ऐसा बनाया गया है कि वो सिस्टम बनाया गया है बाइक ना पार हो, तो फिर भी पब्लिक पार होता है। तो सोनारी स्थित पंचवटी नगर की रहने वाली एक महिला शिवानी दास संपत्ति विवाद को लेकर अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ गंभीर आरोप लेकर SSP के पास पहुंची। पंचवटी नगर सोनारी के रहने वाले शिवानी दास ने कहा कि उनके पति सुभाष चंद्र दास पर उनके ही मामा का लड़का काजल ने अपने साथियों के साथ मिलकर कातिलाना हमला किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए हैं। माँ को वहाँ का हिस्सा मिलेगा ना मायके से, तो उनका जो मामा का जो लड़का है वो नहीं चाहता है जो उनको भी हिस्सा मिले, लेकिन इन लोग फिर भी सबको दिया है, बराबर से सबका हिस्सा हुआ है। उन्हें 4-4 लाख करके बराबर में वो लोग अपना मैंने ज्यादा ज्यादा लिया, बाहर लोगों को कम कम दिया। उसके बाद
भी देने के बाद भी वो लोग क्या किया है, वो धमकी दिया है 2-3 बार मेरा मामा का लड़का कि मारेंगे। कदमा निवासी विनोद कुमार शर्मा को पिछले दिनों जान से मारने की धमकी दी गई। सुरक्षा की मांग को लेकर कदमा थाना पहुंचे विनोद कुमार ने कहा कि वे धमकी देने वालों को नहीं पहचानते हैं। थाना पहुंचे विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि फोन पर जान से मारने की धमकी देने वालों को वे नहीं पहचानते हैं। मोबाइल से मेरे को धमकी दिया गया। क्या बोलते हैं? 24 घंटे के अंदर में मार देंगे। 12 तारीख को मतलब धमकी दिया गया था। 50,000 रुपये का डिमांड कर रहा था। बोला 50,000 रुपये दीजिए नहीं तो आपको 24 घंटे के अंदर में मार देंगे। दयानंद पब्लिक स्कूल के कैंटीन का उद्घाटन सुरेखा नेहरुकर ने किया। इस मौके पर बच्चों ने बुजुर्गों को राखी बांधकर स्नेह प्रकट किया। दयानंद पब्लिक स्कूल के कैंटीन का उद्घाटन सुलेखा नेहरुकर ने किया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने बुजुर्गों को राखी बांधी। AWC का तो कैंटीन हम लोग बच्चों लोगों के हेल्दी फूड मिलना चाहिए, से साफ सुथरा हेल्दी फूड मिलना चाहिए, उस हिसाब से कैंटीन को। एंड छोटा बच्चे लोग कल राखी है इसलिए राखी भी सेलिब्रेट किए हैं। इसको पहले भी यहाँ पे कैंटीन थी या नहीं? कैंटीन था पहले, एक जन बाहर से वेंडर आके देते थे, लेकिन थोड़ा हाइजीनिक फूड और अच्छा खाना देने के लिए।